वे कुछ इस तरह का दिखता था। पहले मेरा रूम, जब मैं इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी साफ़ सफाई करती थी, तो ये कुछ इस तरह का दिखता था। अब इसकी हालत कुछ इस तरह की हो गई है एंड दैट मेक्स मी रियली सैड। और बहुत टाइम हो गया मैंने अपने रूम को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया, इसको एक मेक ओवर नहीं दिया। तो और अभी मेरे को 2 दिन की छुट्टी मिली है एंड आज दशहरा भी है, सो आई थॉट वाई नॉट टुडे। तो आज मैं अपने पूरे रूम को एक मेक ओवर दूंगी एंड इसको बहुत सुंदर बना दूंगी। कटिंग ऑफ ये जो पर्दे हैं, ये हमने जब ये घर इस घर में आए थे तब लगाए थे। 4 साल हो गए हैं, 4 साल। हाँ, बीच में उतार के साफ़ भी करे हैं ये, पर स्टिल अब इनसे मैं थोड़ी बोर हो गई हूँ, तो इनको चेंज कर देते हैं। एंड आज ही मैं दूसरे पर्दे लेके आई हूँ, उनको लगा के देखते हैं कि किस तरह ये लगते हैं और क्या क्या। मैं आपको वो दिखाती भी हूँ कैसे हैं। बैकग्राउंड पर मत जाना। जहाँ से मैं ये पर्दे लेके आई हूँ वहाँ पर भी ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर पर्दे भी थे एंड लेकिन वो सारे 7 फीट के थे। मेरे कमरे में जो पर्दे लगते हैं 9 फीट के हैं। तो मैं 4 ऐसे पर्दे लेके आई हूँ, 2 ऐसे मैंने उसे होटल्स में देखा है, थोड़ा सा लाइट अच्छा सा लगता है, तो बीच में ये 2 पर्दे लगेंगे एंड लेट्स सी कैसे होता है, कैसे बनता है। तो लेट्स चेंज द पर्दास। फास्ट फॉरवर्ड। तो वंडरिंग वॉट आर दीज, ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर मिलते रहते हैं, मैं यहाँ लगा देती हूँ, पर अब मैं इनको भी हटा दूंगी। एक सैड बात हो गई, नीचे लग रहे हैं, मुझे इन्हें सिलने देना पड़ेगा, पर मैं पुराने पर्दे ऑलरेडी उतार चुकी हूँ। माय गॉड, दिस इज सो हार्ट रेंचिंग। तो फिर बेवकूफ़ शिरोमणि का काम कर लिया यहाँ पर। मुझे पुराने पर्दे लगाने से पहले इसको देखना चाहिए था, मेरे को पहले देखना चाहिए था। अब मैंने मम्मा टू द रेस्क्यू बुलाया है। आज दशहरा है, आज वैसे भी नहीं होएगा कोई इसे सिलने वाला, कल भी संडे है। मैं पुराने पर्दे वापस नहीं लगाना चाहती और मम्मा कह रहे हैं कि जो पर्दे लग चुके हैं अगर मैंने इनको न्यू को दोबारा लगा दिया तो ये नीचे से गंदे हो जाएंगे। हेलो, क्या किया जा सकता है इसका मास्टर जी? या तो हम इसको थोड़ी देर गो मथोल कर लें। थोड़ा सा ही हाँ, थोड़ा ही है, मतलब इतना सा लग रहा है नीचे, ज्यादा नहीं लग रहा, पर स्टिल ये इससे थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। स्टेपलर कैसे हो रखा है कि उधर से नीचे को है, इधर से रुको 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 रुको, हाँ ऊपर से फंसा हुआ है, रुक जाओ ये पकड़ो आप, मैं करती हूँ। ये नीचे से फंसा हुआ है, वो देखिए यहाँ से फंसा हुआ है। अब देखना पड़ेगा ये। इतना लग रहा है नीचे, इतना ऊपर कोई कलर वो है। ये वाला पर्दा भी लगा के दो। नहीं पाती हूँ मम्मा, मैं YouTube वीडियो बना रही हूँ। ये वाला पर्दा भी लगा के देख लिया, ये भी थोड़ा सा लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ? आज काम नहीं हो सकता, आज मैं फ्री हूँ, तो इसका मतलब कि मैं नहीं कर रही हूँ आज अपना रूम साफ। अपना रूम साफ मैं तभी करूँगी जब ये पर्दे आ जाएंगे ठीक हो गए, जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली होगा कल शाम को। क्या कल शाम? नहीं, परसों शाम। अगर हम आज सुबह दे देते हैं तो कल शाम तक, मतलब कल सुबह दे देते हैं तो कल शाम तक तो आ ही जाएगा। यार सिलाई में इतना टाइम किस बात की, सिलाई वाले बैठे हैं वो, और संडे को वो होते ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो संडे को होते हैं सिलाई वाले? मेरे को क्या पता, मैंने तो सुबह नहीं होते, संडे को सिलाई वाले नहीं होते। और जाएगा ये काम मंडे पे, मंडे को मॉर्निंग में देंगे, मॉर्निंग में आते हैं वो 11 बजे। मैं अपने आप को काम करने से नहीं रोकती, मैं बहुत
कोशिश करके काम करती हूँ, काम ही रुक जाता है। अब ये वीडियो तब कंटिन्यू होगी जब ये कट के आ जाते हैं पर्दे, एंड अब पता है मुझे क्या करना है, वो वाले पर्दे वापस लगाने हैं। बट स्टिल मैं चाहती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज होए, तो जो पर्दे बीच में लगे हुए थे मैं उन्हें साइड में लगा दूँगी, और जो साइड में लगे हुए थे उन्हें बीच में लगा दूँगी। मैं काम करने से नहीं रुकूँगी, माइंड यू काम। मैटर ऑफ फैक्ट यार, ये पर्दा जब बीच में होगा, मतलब ये वाले पर्दे साइड साइड पर होंगे रात सुबह को, और ये दो दो पर्दे ऐसे बीच में होंगे, कितना सुंदर लगेगा, सिर्फ लाइट आएगी। मैंने लगा लिए हैं, एंड मैं सोचूं, सिंस वो वाली वीडियो तो बनी नहीं, मैंने सोचा था ये वीडियो बनाते ही मैं डाल दूंगी, पर मैं ये जो सब मैंने बनाया मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं। हाँ, तो आज मैं अभी एक IIT वाली वीडियो शूट कर लेती हूँ, एंड अभी रात को ही आए हैं और अभी करना भी शुरू कर दिया। मम्मा ने आइडिया दिया था कि ये और ये दोनों साथ में लग जाएगा पर्दा, पर इसके साथ ये हो रहा है कि हम इसको इधर करेंगे तो ये भी इधर हो जाएगा, और सुबह मैं चाहती हूँ कि इसकी लाइट रहे, तो अब दोबारा इसको अलग करके ये बीच में हो जाएगा और ये दोनों साइड हो जाएंगे, सिमिलरली इस साइड। गाइस, फाइनल लुक हो गया है, पर अभी रात के कितने बजे हैं, 7:30 बजे हैं। वैसे मेरे पास टाइम तो है, पर मैंने अभी जस्ट एक IIT वाली वीडियो शूट की है और मुझे वो एडिट करनी है, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं बाकी के रूम का मेकओवर कर दूं, पर पर्दों का काम डन हो गया, तो जैसे जैसे मेकओवर होता जगह मैं दिखाऊंगी। और अब मैं बेडशीट का भी कलर वाइट कर लूँगी, एंड थोड़ी सी अच्छा बहुत बहुत सुंदर बना हुआ मिलेगा, थोड़ा एंजेलिक सा रूम बनाने का आइडिया है मेरा, तो देखते हैं हाउ डज इट गो। गाइस, तो आज ट्यूसडे को मेरी छुट्टी हो गई बिकॉज पंचायत इलेक्शंस है पंजाब में, एंड उसकी वजह से वहाँ पर सबको छुट्टी हुई हुई है। सो सबसे पहले मम्मा का रूम साफ किया, उसके बाद मैंने सोचा मेक ओवर कंटिन्यू ही कर लेते हैं। मैंने हर एक ड्रॉर खोल दिया है, एंड मेरा पूरा लैपटॉप, एंड मेरा पूरा रूम। अभी मैंने यहाँ से 20% उठा लिया है और उसे पैक करके अच्छी तरह बैग में डाल के रख दिया है। ये बाकी सारा है, हर एक ड्रॉर का सारा सामान निकाल दिया है और साफ़ करने बैठी हूँ। मेनली तो सारी किताबें ही होती हैं या एक्सेसरीज होती हैं, पर मैं थक गई हूँ। पहले मम्मा के रूम का इतना सारा सामान था, आज हो जाना चाहिए, आज के दिन में मेरा रूम शायद क्लीन हो जाए, बट टाइम लैप्स। यहाँ हमारे ड्रॉअर में मैं सारी वो वाली नोटबुक्स रख रही हूँ, जो नोटबुक्स जिनके कुछ कुछ पेज, भाई साहब इनके वेट से यही हिल गया था। तो ये सारी नोटबुक्स हैं जो खाली हैं, थोड़ी थोड़ी, सारी तो नहीं, ओवर द इयर्स कुछ बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ कभी कभी। ये है एट्थ सक्षम, माय मॉम, दिस इज 7th शुभम, संगम की मेरी फोटो नहीं खींची, हो तब कोरोना हो गया था। मेरा फेवरेट हाउस, मेरा फेवरेट क्लासेस थी 9th और 10th, जो कि थी संगम सेक्शन, मैंने बहुत मज़े किए उसमें, और मेरे क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे थे। सो उसकी फ़ोटो नहीं खींची बिकॉज उस वक्त कोविड था। The place where I live now is so calm. मुझे बिल्ली की आवाज़ आ रही है, यूनिकॉर्न देखा, यूनिकॉर्न। मम्मा अब इस गाड़ी से उस गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। वाओ, ओके गाइस, मैंने कुछ चीज़ें तो फिक्स कर ली हैं, जैसे कि वो वाला ड्रॉर तो आपको दिखाया ही था, वो पूरी जगह साफ हो गई, ओके, एंड स्टेशनरी बॉक्स पूरा, इसमें पेन्स, स्केच पेन्स, टेप्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, और क्या क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह सब है।
तो अब मैं बस इसको अपने टेबल पे, मेरे टेबल के ऊपर अब एक ही चीज़ रहनी चाहिए और वो होगा ये, और एवोकाडो सीड्स और एक शिव जी की मूर्ति, बस। बाकी मेरे सारे टेबल्स शुड बी एम्प्टी। अभी फिर भी बहुत सामान पड़ा है, क्लीनिंग पे लगते हैं। कुछ चीज़ें मिलती और मैं इनका यूज़ ही नहीं करती। ये कप मुझे आर्युषी ने दिया था, आई थिंक हम 12th क्लास में थे। ये एज इट इज़ मुझे अभी अंदर से मिला, मैंने इसका यूज़ ही नहीं किया। थैंक यू। अपडेट इज़ दस की रूम पूरा क्लीन हो गया है, वैसे उनके ऊपर कुछ है नहीं, और यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा ये दो लिफाफे और ये बैंड उठाना है बस, और झाड़ू लग चुका है। दिस एंड दिस इज कूड़ा, होल फ्रिकिंग बैग्स ऑफ कूड़ा, और ये सारी किताबें जो शायद मैं ओम को दे दूँ। चादर की बात, तो मैं ये चादर बिछाने की सोच रही हूँ, वो अलग बात है कि मैं बहुत लेजी हूँ और ये सबसे ऊपर पड़ी थी, बट मेरे रूम में वाइट कर्टन्स है और रूम का कलर पर्पल है और इसमें दोनों कलर्स आ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छी लगेगी। और गाइस इट्स डन, मैंने थोड़ा अच्छा नहीं दिखाया, ये वाला टेबल पूरा साफ़ हो गया, बेड साफ़ हो गया। यहाँ जब तक एवोकाडो थोड़े से, एवोकाडो को मैं सोच रही हूँ वहाँ शिफ्ट कर दूँ, एंड वो टेबल भी पूरा साफ़ हो गया, सारे ड्रॉअर्स अंदर से साफ़ हो गए, अंदरूनी क्लीनिंग भी हो चुकी है, एंड पर्दे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई एम थिंकिंग इस कि यहाँ पर मैं कुछ लाइट्स वगैरह ऐड करूँगी, वो जो दिख रहा है उससे लाइट्स वैसे ही आती हैं, मतलब मैं दिखाती रात को, रात की वीडियो बना के दिखा दूँगी इसकी। दिस इज़ रियली वियर्ड, बट मुझे सुबह से बिल्ली की आवाज़ आ रही है, तुम मेरी सुनो यार। या तो किसी ने बिल्ली रखी है कि क्या, मेरे को सुबह से बिल्ली की आवाज़ आ रही है। आ रही है ना, आ रही है ना। ये नाइट सूट कब का अंदर पड़ा हुआ था, मैंने अब देखा एंड अब निकाला। फिट चेक, रूम चेक। हाँ यार अब रूम अच्छा लग रहा है, वो मेरा बैग को तुम एक्सक्यूज कर दो, पड़ता भी है कभी कभी इंसान ना। वेट अ मिनट क्या आप खराब हो गए? ओ अब चला बिल्कुल सही, उधर दिखाऊं? इट मेक्स अ पैटर्न। मुझे ना कैमरा कंट्रोल ही नहीं करना आता है। वाओ, इस पे बीच बीच में चल रहा है, बीच बीच में नहीं चल रहा है। ओम, फिर इसे गणेश जी बने हुए हैं। ओ देखो ऐसे कर दे, नहीं चल रहा, अपनी तरफ ला रही है तो चल पड़ेगा, अभी देखना नहीं चल। बाकी रूम इज़ लुकिंग टू गुड टू एयरी, अभी पता नहीं कैसा लग रहा है, ये मम्मा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है रूम ओवरऑल, नाइस एयरी लुक फीलिंग सी दे रहा है। लाइट्स लगाऊंगी अभी एंड थोड़ी अच्छी वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज मेरे को ना वीडियो ही नहीं बनानी आती, दिखा नहीं पा रही हूँ मैं पूरा कि कैसा लग रहा है। यहाँ से थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ से वीडियो बनाती।